हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल आईक्यू क्लासेस। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री में उसका पहला चैप्टर कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, कौन सा चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें हमें कई सारी एक्टिविटीज करने को मिलती है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें इसमें अच्छे से जानने को मिलता है कि कौन सा मेटल कौन सा कलर शो कर रहा है, कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, कैसे कोई सब्सटेंस सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। चलो स्टार्ट करें, चलो इतना कह रहे थे स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन हमें इतना मतलब समझने का है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट होगा और वो फॉर्म कर रहा होगा प्रोडक्ट। क्या मैंने क्या कहा, मेरे पास एक रिएक्टेंट होगा और वो फॉर्म कर रहा होगा प्रोडक्ट। जैसे हम लोग एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं और आप लोग उससे बहुत ज्यादा वाकिफ भी हो, जैसे H2 plus O2 gives out क्या मिलके बनाता है H2O। अब यहाँ पे दो ओ है तो मैंने यहाँ पे दो ओ कर दिए, चार हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे चार हाइड्रोजन हो गए। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, मतलब हाइड्रोजन बहुत तेज क्या कहते हैं बर्न यूज होती है, इसीलिए हम इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसकी मदद से आग लगती है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। तो यानी मेरे पास एक रिएक्टेंट था, वो तो मैं फिलहाल समझाने के लिए था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे हमको मिलता क्या है, इससे हमको मिलता है प्रोडक्ट जो कि हमारे पास क्या है, वाटर। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, मतलब मेरे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टूट रहे होंगे और प्रोडक्ट बन रहा होगा। सिंपली मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे पास जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, जेम्स बॉन्ड नहीं, ओल्ड बॉन्ड्स, जो मेरे पास ओल्ड यानी पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसे मैं बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व the breaking of bonds involve breaking of bonds in form of reactant and formation of new bonds in form of products is called chemical reaction। यहां तक सभी को अच्छे समझ आया, मैंने क्या किया, मतलब मैंने क्या लिखा, सिर्फ इतना किया कि मेरे पास एक रिएक्टेंट था एक प्रोडक्ट था। भाई जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा उसमें से पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो मैं इसको बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन। देखो क्लास 9th में भी एक डेफिनेशन थी, मैं क्लास 9th की भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। और व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या सब्सटेंस आर रिएक्ट, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर रिएक्ट and form two or more different products are formed and form two or more different products। मतलब कहने का ये क्लास 9th की डेफिनेशन है, मेरे पास कोई एक मतलब दो या दो से ज्यादा कोई एक सब्सटेंस रहे होंगे और वो रिएक्ट कर रहे होंगे, रिएक्ट करने से वो नए प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो मैं उनको कह रहा हूँ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अब क्लास 10th में आ गए तो थोड़ा सा एडवांस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वैसे ये भी बिल्कुल टफ नहीं है। मेरे पास कुछ केमिकल रिएक्शन थी, उसमें मेरे पास कुछ बॉन्ड्स थे, मतलब कुछ रिएक्टेंट थे, उनके बॉन्ड्स टूट रहे थे, किधर साइड, रिएक्टेंट साइड ब्रेक हो रहे थे और नए बॉन्ड का जो होता है फॉर्मेशन हो रहा था, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट। समझ आया, ठीक है आगे देखते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं अमोनिया। तुमको क्या लगा क्या बनेंगे, छी 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 गंदी सोच।
तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन हो गया। अब देखो यहाँ पे टू थ्री जा सिक्स, हाइड्रोजन कितने हो गए सिक्स, तो मैं यहाँ पे थ्री लगा देता हूँ, तो थ्री टू जा सिक्स क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। वैसे मैं बैलेंस रिएक्शन अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करते हैं, अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन बेसिकली देखते हैं, ठीक है। चलो हम लोग और देख लेते हैं, जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मैंने बना दिया CO2, यहां तक सबको समझ आ गया। जैसे मेरे पास एक होता है CaCO3, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट जाता है, टूट गया बेचारा, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसमें टूट गया, देखो शीशा हो या दिल टूट जाता है, तो वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट गया, किसमें CaO प्लस CO2 में, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो मैं वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पूछी गई, तो इस पे भी ध्यान देना। कैल्शियम कार्बोनेट, ये हीट करने पे ये ब्रेक हो जाता है। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें मुझे बताओ कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो आप क्या बताओगे, बोलोगे कि लेफ्ट साइड वाला हमारा रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला हमारा प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड वाला हमारा रिएक्टेंट है, राइट साइड वाला हमारा प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड वाला हमारा, बस सर समझ गए, इतना तो जहर पढ़ा दिया कितना, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। सभी को यहां तक अच्छे से समझ आया, तो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या होगा रिएक्टेंट और राइट साइड क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट। लेकिन एक बात है कि एरो का भी ध्यान रखना, अगर मान लो वो आप लोग को ऐसे लिख के दे दे, जैसे मान लो उसने लिख दिया ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, अब की बार तो ये लेफ्ट साइड तो जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो तो हमारा प्रोडक्ट है, और आप तो सर कह रहे थे कि लेफ्ट साइड हमारा रिएक्टेंट, तो हम लोग को एरो को देख के चलना है कि जिधर साइड एरो पॉइंट कर रहा होगा मतलब उधर हो रहा है फॉर्मेशन, और जिधर से बन रहा होगा वो हमारा होगा रिएक्टेंट। वैसे मेजरली आपको 99% डेटॉल की तरह आपको लेफ्ट हैंड साइड तो रिएक्टेंट ही मिलेगा और राइट हैंड साइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा। यहां तक अच्छे से समझ आया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज भी देख लेते हैं, एक्टिविटीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, हाँ ध्यान से देखना। रिएक्शन समझ आया, यहां तक कोई भी डाउट है रिएक्शन में, अगर मैं कहूँ एक और रिएक्शन लिख दूँ तो, अच्छा लिख दीजिए, इससे अच्छी बात क्या है। जैसे मेरे पास ये है NaOH, NaOH क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एक और मैंने ले लिया HCl, HCl क्या है हाइड्रो, HCl क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, और NaOH क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छे समझ आया, ठीक है। इसको मैं फिलहाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलता हूँ, इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। अब यहां से देखो सोडियम की वैलेंस कितनी होती है +1, इसकी -1, हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1, याद है क्लियर। तो ये रहा Na+OH-, ये रहा H+ और ये रहा Cl-। अब बस कुछ नहीं होगा, अब होगा, अब चलेगी कैंची, क्या चलेगी कैंची, कैसे चलेगी ऐसे, ये रहा भाई प्लस को क्या पसंद है माइनस, तुम लोग को क्या पसंद है, देखो मैं नहीं जाता पर्सनल नहीं होना ना, ठीक है। तो Na के पास कौन जाएगा Cl, तो NaCl बन गया प्लस H, H और OH, यहाँ को दो H और O दिख रहा है ना, मिलके क्या बना देगा वाटर। तो हमने क्या किया, हम मुझे नहीं पता था रिएक्टेंट क्या होगा, हम मैंने सिर्फ क्या किया प्लस और माइनस को मिलाया और मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये जो हमारे पास बना है सॉल्ट, NaCl क्या होता है सॉल्ट और ये क्या बन गया वाटर। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या थे, हमारे पास थे रिएक्टेंट ये, और प्रोडक्ट नए फॉर्म हुए हैं वो क्या हुए हैं ये, समझ आया सभी को, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया हुआ है, एक टोंग से पकड़ा हुआ, टोंग मतलब जैसे नहीं घर में चिमटा होता है जिससे हम लोग गर्म बर्तन पकड़ते हैं, हाथ से थोड़े पकड़ोगे यार, तो उसी को ये टोंग बोल रहे हैं। अच्छा इनके पास क्या होता है, हमारे पास इतना, जैसे पहले थोड़ा सा उसको थ्योरी वाइज समझते हैं कि मेरे पास ये मान लेते हैं एक मैग्नीशियम रिबन है, ये क्या है मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैंने क्या किया हुआ है एक एक टोंग से मैंने उसको पकड़ा हुआ है, टोंग से पकड़ा हुआ है और मैं उसको क्या कर रहा हूं हीट कर रहा हूं, अरे कुछ भी बन जाता है, हाँ मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं। देखो
केमिस्ट्री में किसी की प्रेजेंस में हीट करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर आप लोग को लिखा हुआ है व्हेन अ सब्सटेंस इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसका मतलब है कि हम उसको किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ध्यान रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या होता क्या है कि अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये इस तरह वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, इस तरह एक वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, और ये एक तरह से कह सकते हो वाइट स्पार्क शो करता है, वाइट स्पार्क शो करता है, और इस जब ये बर्न होता है तो कुछ ये पाउडर के फॉर्म में, कुछ ये पाउडर के फॉर्म में, ये एक तरह से एक प्लेट रखी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में चाइना डिश, क्या बोलते हैं, चाइना डिश, तो उसमें ये आकर के इकट्ठा हो जाती है। मतलब मैंने क्या कहा, मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, उसको मैं हीट कर रहा हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं कहता हूं आपको प्रोडक्ट रखनी जरूरी नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री रटना मना है, कैसे, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम होता है 12, अच्छा तो 12 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह है, अच्छा तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन के आखिरी में 8 शेल्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये दो लूज करेगा तो इसीलिए इसकी वैलेंसी +2। ऑक्सीजन कितना होता है, 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.6, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हैं कितने, 6, तो इसको कितने की जरूरत है, 2 गेन करेगा, गेन करने पे कौन सा साइन आएगा बच्चों, -2, इसीलिए अब कितना हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। अब फिर क्या चलेगी, कैची, कैसे, ऐसे मैग्नीशियम की वैलेंसी, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन दोनों के नंबर सेम है तो सिंपल होल नंबर रेशियो 0, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बन जाएगा। अब बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 2 Mg, तो 2 Mg हो गए, अच्छे से समझ आया, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा था, यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, मैग्नीशियम रिबन का समझ आया पक्का, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपने ऑब्जर्व क्या किया, ये मान लो मैंने आप लोग को लैब में एक्सपेरिमेंट दिखाया और बच्चों आपने ऑब्जर्व क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक तरह से ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये था, आपको नहीं पता था कि आपके पास रिबन कौन सी है, आपको नहीं पता था कि सिर्फ हीट, मतलब किसकी प्रेजेंस में कैसे हीट हो रहा है, आप लोग ने जो देखा वो ऑब्जर्व किया कि इसमें से कुछ वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस हुई और उसमें जो कुछ नीचे जो प्रोडक्ट जो इकट्ठा हुआ, जो एक तरह से जो मटेरियल हम लोग को मिला, वो एक तरह से वो वाइट पाउडर्ड फॉर्म में था, वाइट पाउडर्ड फॉर्म में था, मैंने आप लोग को बताया वो वाइट पाउडर कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छे से समझ आया था, पूरा परफेक्ट समझ आया। देखो अगर नहीं समझ आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने खूबसूरत हाथों से कमेंट करके बताओ कि सर मुझे एक बार ये फिर से समझा दिए या सर बहुत जहर समझ आया, ठीक है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखा दिया, इसकी रिएक्शन क्या है, ये है, अच्छा। अब कभी कभी एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये सब बच्चे पढ़ के आते हैं, बच्चे पढ़ के क्या नहीं आते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, मतलब मैं बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों मैं क्लीन करता हूं। देखो आप लोग ने क्या सैंड पेपर देखा है कभी, सैंड पेपर, अरे यार सैंड पेपर सबने देखा है, कि तो हमने तो देखा ही नहीं सर, ऐसे कैसे कह सकते हैं, सैंड पेपर सबने देखा है क्या, घर में कभी काम वर्म चला है, कंस्ट्रक्शन वर्क चला है, तो आप लोग के यहाँ जो लेबर, जो अंकल आंटी जो लोग आते हैं वो एक पत्ती लेकर के आते हैं, कैसी पत्ती है? तीन पत्ती नहीं, गंदी गंदी सोचे, वो एक रेगमाल लेके आते हैं जिससे वो दीवार को अच्छे से रफ करते हैं, घिसते हैं सारा उसके जो भी डर्ट पार्टिकल जो उसको एकदम क्लीन करते हैं, तो वो जो रेगमाल होता है ना उसको मैं कहता हूँ सैंड पेपर, अब समझ आया, तो उस सैंड पेपर से मान लो मेरे पास ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है ना,
इस तरह मान लेते हैं मैग्नीशियम रिबन है, वो आप लोग की किसी भी स्कूल में या फिर क्या कहते हैं कोई लैब में अगर रखी रहती है, तो क्या होता है भाई हमारे आउटर मोस्ट मतलब एटमोसफेयर में क्या है, एयर है, एयर में क्या है ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर वो किसी जगह बंद जगह रखी जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो उसकी ऊपर लेयर पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर चिपक जाती है। इतनी पतली लेयर होती है एक तरह से आपको दिखाई भी नहीं देगी, हमें माइक्रोस्कोप में उतना परफेक्ट वो क्लीन दिखाई देता है। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर अगर ओपन में है तो ऑक्सीजन की लेयर वो क्या होती है उसके ऊपर आके चिपक जाती है। अब आके चिपक जाती है तो अब जब मैं इसको हीट करने जाता हूँ, हीट करने भी परफेक्टली या तो बहुत अच्छे से हीट नहीं होती या तो बहुत अच्छे से बर्न नहीं होती या तो वाइट डेजलिंग लाइट उतनी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होती है। तो इसीलिए मैं इसको पहले सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर, यानी कि गगगगगग ऐसे नहीं एकदम पोलाइटली, जैसे उसको अच्छे से हीट कर लेते हैं, हीट करने के मतलब क्लीन कर देते हैं, फिर हम इसको हीट करते हैं जिससे बहुत अच्छे से वाइट डेजलिंग लाइट को प्रोड्यूस करता है और MgO का जो पाउडर है वो भी बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हम लोग को मिलता है। अच्छे से समझ आया? आया ना? अरे हाँ बोलो बेटा, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और एक्टिविटी देख लेते हैं और वो एक्टिविटी है हम लोग की रस्टिंग ऑफ आयरन, ये लास्ट एक्टिविटी है। इसके बाद हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे, मतलब सम केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व देखेंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, कलर हो गया, तो वो सब देखेंगे, वो सब बात की बात है। चलो आज देखते हैं जो भी देख रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि मैंने एक आयरन लिया और मैं उसको धूप में लेके खड़ा हो गया और उसमें रस्ट लग रही है। अब उसमें रस्ट ये बहुत एक स्लो प्रोसेस है, अब उसमें रस्ट लगे या ना लगे आप में जरूर रस्टिंग हो जाएगी। तो मेथड ये है कि अब रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, पहले प्रेजेंस लिखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस, बाय धूप पानी ऑक्सीजन गर्मी इन्हीं की वजह से तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, यानी आयरन में जंग लग जाती है। अब मतलब मेरे पास आयरन होगा, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन होगा और मतलब मेरे पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, मैं मुझे नहीं पता कितने होंगे, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक्स वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। अब ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने पे क्या होता है ये बनाता है Fe2O3.XH2O। क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ बताया कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe, कैपिटल एफ स्मॉल ई, ठीक है। ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मॉइस्चर में क्या है वाटर है, नमी है, तो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है रस्टिंग होती है। ये जो बच्चों हमारा फॉर्मूला है इसको अच्छे से पकड़ के बैठ जाओ, ये है रस्ट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब अगर इसको बैलेंस करते हैं तो हम इसको कर देते हैं 3/2 और यहाँ पे 2 Fe है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। अच्छा यहाँ पे क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इसका जो नेम होता है वो होता है फेरिक हाइड्रेटेड ऑक्साइड। अब यहाँ पे मैंने फेरिक क्यों लिया, एक टर्म आप लोग याद कर लो, ये आगे रिएक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो मैं चाहूंगा अगर अभी आप लोग को याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास होगा Fe2+ और होगा Fe3+, मतलब आयरन अपनी दो वैलेंसी शो करता है, एक Fe2+ और एक Fe3+। अगर Fe2+ है तो उसका नाम होगा फेरस और अगर Fe3+ है तो उसका नाम होगा फेरिक, FERRIC। तो ये इसीलिए यहाँ पे Fe की वैलेंसी कितनी है, Fe के पास कितना है +3, ऑक्सीजन के पास कितना है -2, तो क्या हुआ कैची चली, कैसे चली ऐसे चली, तो यहाँ पे हो गया Fe2O3। तभी तो देखो 2 इसके पास है ऑक्सीजन का और 3 इसके पास है आयरन का। समझ आया अच्छे से? तो इसी का फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे अच्छा आप लोग की बुक में एक एग्जाम वो दिया हुआ है, इसी तरह एक्टिविटी का एक डायग्राम दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये एक बीकर लिया हुआ है और इसमें एक आयरन की नेल को उसमें डिप कर दिया है। अब वो आयरन की नेल को डिप करने के बाद वो देख रहे हैं कि कितने दिन बाद रस्टिंग लगती है, क्योंकि आयरन में क्या है वाटर, वाटर में वाटर है और उसको क्या मिल रही है ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में उसमें क्या लग रही है रस्टिंग, और किसमें लग रही है आयरन नील में। तो वो जो रस्ट लग रही है
वो रहा इसका यही फॉर्मूला है, और ये रही उसकी केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग को ये रिएक्शन, ये Fe2+ और Fe3+ क्या होता है ये, और इसका फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यही दो एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोग के ऊपर है कि इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लें। कहाँ? नी वाले दिमाग में नहीं, हेड वाले माइंड में। क्लियर? तो इसलिए मैंने एक भी रिएक्शन आप लोग को रटाया भी नहीं, मैंने आप लोग को सिखाया है कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो आप लोग भी रिएक्शन रटना मना है, केमिस्ट्री रटना मना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स को देखेंगे। क्लियर? बाय बाय।